ओके नाउ लेट्स टेक वन मोर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. सपोज अगर मैं आपसे बोलता हूँ एल इज इक्वल टू ए पावर एन बी पावर टू एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू वन. लैंग्वेज कैसे होगी देखिएगा, लैंग्वेज को एक्सपेंड करूँ तो कैसे होगा. अगर एन की वैल्यू वन रखता हूँ तो ए बी बी राइट, अगर एन की वैल्यू टू रखता हूँ तो ए ए फोर टाइम्स बी राइट, ऐसे समथिंग ऐसे ही कुछ हो एंड सो ऑन राइट. तो इसको अब इस लैंग्वेज की बात करता हूँ ए पावर एन बी पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन. इसके लिए ग्रामर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कैसे बनता है, कैसे बनाया था एस डेराइव ए एस बी और ए बी ये बना था. तो सिमिलरली यहाँ पे ऐसे क्या होगा इसमें, इसमें क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें क्या है ए पावर एन, दिस इज ए पावर एन एंड दिस इज ऑल्सो बी पावर टू एन राइट. तो अगर मैं इसको बोलूं ऐसे भी लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू ए पावर एन यहाँ पे बी बी पावर एन ऐसे भी लिख सकते हैं राइट, बी बी पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन ठीक. तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है हमारा ए और ये है केवल बी, मान लेते हैं जहां बी था वहां पे हम बी भी रख देंगे सॉल्व. यहाँ पे तीन हो सकता है बी पावर थ्री एन होता तो थ्री टाइम्स बी रख सकते हैं. तो इसके लिए ग्रामर सपोज इसका मतलब क्या हुआ यू नो, इसको मैं ए ये ए है सिंपल और ये क्या है टोटल बी, ये ए मान लिया ये ए तो पावर एन है ही, इसको पूरे को बी मान लेते हैं. तो जहां जहां ये बी था वहां वहां क्या रख देंगे बी रख देंगे, हाँ बी बी रख देंगे. तो इसके लिए ग्रामर क्या हो जाएगा एस डेराइव ए एस ठीक और यहाँ पे बी बी नाउ और इस ए बी की जगह क्या होगा, अभी तो ए बी था अकेला यहाँ पे क्या होगा ए बी बी. ऐसे भी देख सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या बनी ए बी बी, तो ए बी बी तो होगा ही ना. उसको रिकर्सिवली कॉल करने के लिए यहाँ पे एस जो है वो एस अगेन आगे रिकर्सिवली कॉल होगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए मुझे इसको डराइव करना है, इस स्ट्रिंग को ड्राइव करना हो सपोज इसको ए ए बी 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 इसको डराइव करना हो तो कैसे डराइव करेंगे. सपोज एस इज द स्टार्टिंग सिंबल, एस डराइव ए इस प्रोडक्शन को लीजिएगा ए एस बी और ये बी हो गया. अब इस एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं ए बी बी ए बी बी, तो इसकी फाइनली क्या हो गई स्ट्रिंग ए ए बी 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 फोर टाइम्स बी एंड टू टाइम्स ए, तो ऐसे जनरेट कर सकते हैं आप सिंपल ओके. तो दिस इज द ग्रामर फॉर कहाँ गए, हाँ दिस इज द ग्रामर फॉर ए पावर एन बी पावर टू एन ओके. तो क्वेश्चन में भी आस्क लाइक दिस वन कि ए पावर एन बी पावर फाइव एन, तो फाइव एन में क्या हो जाएगा फाइव टाइम बी हो जाएगा और यहाँ भी फाइव टाइम बी हो जाएगा राइट. इट्स वेरी इजी ओके.